तो अगर है ये देश का सबसे पुराना शहर और ऐसा भी माना जाता है कि इसे बनाया गया था शिवजी ने इसे बसाया था, तो इसका रेलवे स्टेशन भी कुछ वैसा ही है। रेलवे स्टेशन मंदिर के आकार में, मंदिर के शेप में, एंड यहाँ पे आते ही ना ऐसे लग रहा है कि एक अलग हवा है। हिंदू इतिहास से जुड़ गया, ऐसा लगता है इस शहर में कदम रखते ही कुछ कमाल हो। बनारस आओ और बनारसी पान ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता। और मैं उसी दुकान पे आ गया हूँ, वही पुरानी दुकान जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पान खाया था, और आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। और यहाँ आइए, जरा नीचे आइए, तो यहाँ देखेंगे आप कैसे किस हिसाब से पान बन रहे हैं। नमस्कार जी, और क्या है मीठे पान का राज? यहाँ पे न कट्ठा पैदा होता है, न पान पैदा होता है, न सुपारी, सभी चीजें बाहर से आती है। इसका बनाने का कला हम लोगों के पास बनाने की कला है, बाकी सारी चीजें बाहर से आती है, लेकिन वो जो कला है, जो बनारस का प्यार जिसको कहते हैं, उसमें इतना मिठास रहता है, इतना प्रेम को खिलाया जाता है कि लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है। देखिए, यहाँ की सीक्रेट रेसिपी ना कोई मसाला नहीं है, यहाँ की सीक्रेट रेसिपी है यहाँ का प्यार। जो भी मटेरियल है जी, मैं अपने घर पे खुद बनाता हूँ, जैसे कट्टा हुआ, चूना हुआ, सुपारी हुआ, मीठी सुपारी, गुलकर, नवरत्न चटनी, सभी चीजें मैं अपना बनाता हूँ। सभी चीजें आप खुद बनाते हैं? सब शुद्ध बनाता है, जो शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं। हाँ, तो ये पान शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये पान बहुत ही मीठा है। तो बनारस आइए और खई के पान बनारस वाला के साथ साथ झूमते हुए इस गाने में यहाँ जरूर आइए, यहाँ के पान को जरूर चखिए। तो बारी है इस पान को चखने की, जो तो मोदी जी ने चखा था।